ये मैंने 8 mm की स्टील बोल लोड की और ये मैंने एंकर पॉइंट लिया, ड्रॉ किया और मैंने ये इसको रिलीज़ किया। तो शॉट आपके सामने है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, ये जी हमारे पास एक स्लिंग शॉट है जिसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। TDF का मॉडल है ये, आप चेक कर लें। ये इसको भी निकालते हैं बाहर, ये चेक कर लिया माशाल्लाह। ये वुड का जो है ना इसका हैंडल बना हुआ है, ये इसकी जो है ना इसके साथ जंक्शन है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा जो है ना इसका मेटल का है। तो ये आप चेक कर लें, बेहतरीन क्वालिटी की है और हैंड क्रीम में माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। 90 डिग्री के लिए है, 180 के लिए नहीं है, ना 45 के लिए और 90 डिग्री के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। तो ये आप चेक कर लें, इसमें सिंपली आपको एक रबड़ रिसीव होगा और ये साथ में इसका रबड़ है। तो अभी सिंपली आपने क्या करना है, ये इसका स्क्रू है इसको लूज़ कर देना है। ये जी इसकी कंस्ट्रक्शन रिंग को लूज़ किया और इसे सिंपली इसमें इंस्टॉल कर दिया इसको। जब इंस्टॉल करेंगे तो ये ऊपर से इसको क्लॉकवाइज घुमा के इसको टाइट कर दें। सिंपली सेम दूसरी तरफ से भी आपने ऐसे ही करना है, ये दूसरी तरफ से भी इसको मैंने टाइट कर दिया। तो अभी इसके साथ 90 डिग्री पे शूट कैसे करनी है, इसका एंकर पॉइंट क्या बनेगा और इसका रेफरेंस क्या बनेगा, वो मैं आपको डिटेल्स के साथ इसके साथ शेयर करता हूँ। ये देख लें, अब मैंने स्लिंगशॉट को ड्रॉ किया। तो ये कुछ बैंड्स होते हैं जो स्लिंगशॉट के ऊपर की तरफ से लगाए जाते हैं, कुछ साइड से लगाए जाते हैं, जो साइड से लगाए जाते हैं वो वाले स्लिंगशॉट को TTF बोलते हैं। तो ये TDF का मॉडल है। तो अभी हमें इसको जो है ना वो ये देख लें आप, इस वाले एज से रबड़ बैंड के बिल्कुल सेंटर से अगले टारगेट को आपको अपने टारगेट को देखेंगे और फिर दोनों आपको आपस में मिला के शूट करेंगे तो जाके शॉट सीधा लगेगा। तो अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको और जो इसका एंकर पॉइंट बनता है वो भी बताता हूँ। वो मॉडल जिनके रबड़ बैंड साइड से लगते हैं, ये स्लिंग शॉट है जिनके साइड से रबड़ बैंड लगते हैं उनको TDF मॉडल बोलते हैं, और जिनके रबड़ बैंड ऊपर से लगते हैं उनको OTDs बोलते हैं। ये मैंने 8 mm की स्टील बोल लोड की और ये मैंने एंकर पॉइंट लिया, ड्रॉ किया और मैंने ये इसको रिलीज़ किया। तो शॉट आपके सामने है, ठीक है। वंस अगेन आपने ये स्टील बोल लोड की और यही आपका एंकर पॉइंट बना और आपने इसको लोड किया। लोड करने के बाद आपने इसको ट्राई किया, तो ये शॉट आपके सामने है। ये मैंने स्टील बोल इसमें लोड की 8 mm की और ये मैंने एंकर पॉइंट लिया, ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद ये मैंने शॉट लिया और शॉट आपके सामने। ये आप चेक कर लें, ये स्टील बोल इसमें मैंने लोड की, एंकर पॉइंट लिया, ड्रॉ किया और ये मैंने शॉट किया, ठीक है। तो ये रिजल्ट है आपके सामने। ये आपने स्टील बॉल लेनी है, पाउच में लोड करनी है और पाउच में लोड करके बिल्कुल आपने पाउच के अंदर जो स्टील बॉल होगी एरिया उसको आपने पकड़ना है। पकड़ के आपने ये आप एंकर पॉइंट पर लेके आए नोज़ और लिप्स के दरमियान और इसको अपने टारगेट की तरफ मूव किया और ये शॉट किया आपने और ये आपका रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। बिल्कुल इसका जो है ना यही बिल्कुल जो मिड वाला है ना रेफरेंस पॉइंट वही बनता है, कभी यहाँ पे बन जाएगा, कभी मिड भी बन जाएगा, कभी राइट साइड पे बन जाएगा थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा कोई 4-5 मिलीमीटर हर दफ़ा जो है ना जब भी आप नया बैंड लगाते तो ये जो है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे, तो इस तरह जो है ना वो कभी अप डाउन भी हो जाता होता है, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार है और ये हमारे स्टोर पे अवेलेबल है, जिस भाई को चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है और साथ में वेबसाइट पर भी कॉन्टैक्ट करके आप वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।